Hey guys, this is Karan. Welcome back again my new video. Guys, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे. Guys, यहाँ पे HDFC हर चीज को लेकर के बहुत तेजी से एक्शन करती है. तो यहाँ पे जैसे ही RBI ने UPI से क्रेडिट कार्ड से UPI ट्रांजेक्शन को इनेबल करा है, वैसे ही HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड को है ऐसे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि कोई लंगर लगा दिया हो. तो गाइस यहाँ पे HDFC बैंक अपने UPI क्रेडिट कार्ड को बहुत ही तेजी से बांट रही है. अगर आप क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है उनको जो HDFC क्रेडिट कार्ड देगी वो जो सेपरेट लिमिट का जो ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया है. अब HDFC बैंक आपको अगर क्रेडिट कार्ड देती है, अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप UPI के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं. बट उस कंडीशन में होगा क्या, जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको ही उस कार्ड में दे दिया जाएगा. कुछ लिमिट आपको UPI के थ्रू यूज करने के लिए दी जाएगी. अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्जेस को लेके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि आपको UPI ट्रांजेक्शन को कोई चार्जेस पड़ने वाले हैं. बट अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जो थिंकिंग बोलती है यहाँ पे आपको 1 से 1.5% का जो चार्जेस है वो लगने वाला है. आप इसको कैसे रजिस्टर करेंगे, अगर आप HDFC बैंक का रुपए UPI क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो आप उसको कैसे रजिस्टर करेंगे? ये सिर्फ आपको बीम UPI जो एप्लीकेशन है उस पे ही लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा. हालांकि बहुत बैंक हैं जो अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी. बट अभी यहाँ पे HDFC बैंक ने भी अपना जो रुपए क्रेडिट कार्ड है वो UPI के साथ लिंक करने की ऑप्शन दे दी है. आप बीम UPI की ऐप को डाउनलोड करके जैसे आप अपने अकाउंट को लिंक करते हैं एज इट एज वैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड को आप लिंक करेंगे. वहां पे लास्ट डिजिट है अपने क्रेडिट कार्ड के जो फिलअप करेंगे, प्लस अपना पिन को है वो फिलअप करेंगे, देन आपका जो है क्रेडिट कार्ड आपके UPI से लिंक हो जाएगा. आप इस UPI से मर्चेंट पेमेंट कर पाएंगे, किसी को पेमेंट सेंड करनी है वो भी सेंड कर पाएंगे. तो यहाँ पे आप अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि मर्चेंट पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है. अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ता है तो यहाँ पे मर्चेंट को भी वो चार्जेस पड़ने वाले हैं. तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन HDFC की तरफ से यहाँ पे लीक हुई थी कुछ दिन पहले. मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस हैं आपको ऐसे अपडेशन के लिए देखने को मिलती रहेंगी. अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना रखे हैं कि आप अपने HDFC के क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं. बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप ब्रांच में विजिट करके भी अपने क्रेडिट कार्ड को जो है अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि अगर आपके पास पहले कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको उसी कार्ड में से वो लिमिट यूज करने के लिए मिलेगी, कोई सेपरेट लिमिट नहीं मिलेगी. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.